हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स की ये मेरा जो 19th लेक्चर है, इसमें आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे कोरिओलिस फोर्स, और कोरिओलिस फोर्स के इफेक्ट्स हम देख रहे थे, तो उनमें आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कोरिओलिस फोर्स ऑन जी मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण पर कोरिओलिस बल का प्रभाव। ये आज का टॉपिक है। विद्यार्थियों, एक बीच में थोड़ा सा मैं आपको और बात बता देता हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज करौली के फिजिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर नथू सिंह। अभी बीच में 1 तारीख को मैंने आप में से कुछ विद्यार्थियों को जिनको भी पोस्ट भेजी थी, आप भी हैं शायद उनमें, सभी को 1 जनवरी को एड्रेस किया था, और आज फिर मुझे एड्रेस करना पड़ रहा है थोड़ा सा। तो बात ये थी कि 1 तारीख को ही रात को सरकारी आदेश आए थे, और उनमें मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से किसी दूसरे कॉलेज में हो गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि उस आदेश में संशोधन हो गया है, और मेरा वो आदेश अब नहीं रहा। मैं अब इसी कॉलेज में, यहीं गवर्नमेंट कॉलेज करौली में ही हूँ और यहीं रहूँगा। तो आप, क्योंकि इससे संबंध में मेरे पास में भी बहुत सारे फ़ोन आए थे, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई थी, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के विद्यार्थी, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी। हालाँकि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों से अभी हम लोग आमने सामने नहीं मिल पाए हैं कोरोना के इस पेंडेमिक के कारण, लेकिन उन सभी की चिंताएं थी कि सर अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमारे कोर्सेज का क्या होगा। तो इसलिए अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका कोर्स एट टाइम हो जाएगा। एग्ज़ाम आपके अभी नहीं हो रहे हैं, डिले ही होंगे, और उस हिसाब से हम लोग अपना ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब अपन अपने सिलेबस पर आते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कोरिओलिस फोर्स ऑन जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर कोरिओलिस बल का प्रभाव, ये हमें आज देखना है। मान लिया जाए कि हम लोग इस तरह से, हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर ये लैम्डा अक्षांश है, और इस लैम्डा अक्षांश पर मान लिया जाए इस पॉइंट पर कोई प्रेक्षक है, प्रेक्षक के रूप में हम लोग भी हैं, और जैसे मैं खुद खड़ा हूँ तो ये मेरे लिए एक वर्टिकल डायरेक्शन होगी, और ये वर्टिकल डायरेक्शन नीचे अगर हम गड्ढे के रूप में चलते चले जाएंगे तो हम केंद्र पर पहुँचेंगे। तो इसी तरह से यहाँ से इस केंद्र बिंदु से ये, इसको हम सीधा मिला दें तो ये वर्टिकल डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन ऊर्ध्व दिशा होगी, ऊर्ध्व दिशा है इस तरह से। इसको अपन कहें के डैश कैप, डैश इसलिए लेंगे कि पृथ्वी हमारा एक घूमता हुआ निर्देश तंत्र है। यहां पर इक्वेटर होगा, यानी कि भूमध्य रेखा होगी, और भूमध्य रेखा के इस बीच वाले केंद्र से मिलाने वाली इस रेखा के साथ में ये कोण जो होता है, ये लैम्डा अक्षांश कोण होता है। तो मान लिया जाए कि हम लोग यहां पर हैं या यहां पर हैं, मैं यहीं पर मान लेता हूं पृथ्वी के स्थल पर हम लोग यहां खड़े हैं, तो कोई भी प्रेक्षक अगर यहां पर खड़ा है तो गुरुत्वीय आकर्षण बल नीचे की ओर होता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर होता है, और यहां लैम्डा अक्षांश है, तो इधर हम ये कहें कि यहां ये हमारी पृथ्वी इस तरह से घूर्णन गति करती है, अपने अक्ष पर इसमें घूर्णन होते हैं, तो इनकी गति या इसके कोणीय वेग को हम इस तरह से निरूपित करें ओमेगा, तो ये डायरेक्शन जो होगी वो ओमेगा की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को मैं जे डैश कैप में मान लेता हूं, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जे डैश कैप। ओमेगा इट इज द एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग है, पृथ्वी का कोणीय वेग, जिसका मान आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू 7.3×10⁻¹⁵ रेडियन पर सेकेंड, ये कोणीय वेग का मान होता है ओमेगा। लैम्डा अक्षांश पर, पी बिंदु पर हम मान लेते हैं कोई प्रेक्षक है जो
जिसको हम देखें बिंदु पर स्थित है, ये स्थिर है, स्थिर अवस्था में। गुरुत्वीय आकर्षण बल पृथ्वी पर नीचे की ओर होता है, ये नीचे की। तो इसके ये दो घटक होंगे, एक घटक ऊपर की ओर और एक घटक नीचे की ओर। तो यहां जैसे ये गुरुत्वीय आकर्षण को मैं जी से निरूपित करना चाहूं, तो ये जो डायरेक्शन आएगी इसका ये कोण भी लैम्डा होगा, और इसका इधर घटक, ये घटक जी कॉस लैम्डा आई डेस्क में होगा, और इधर का ये घटक जी साइन लैम्डा के जी डेस्क में होगा, जी डेस्क। लेकिन विद्यार्थियों डायरेक्शन तो ये है एक्सिस की, इधर ये है और ये नीचे की ओर है। तो इसका मतलब इसका घटक जो आएगा ये इस दिशा के विपरीत होगा, इस कारण से ये दिशा माइनस में होगी और यहां पर भी ये दिशा माइनस में होगी। तो हम ये कहेंगे कि माना जी, माना जी पृथ्वी का वास्तविक त्वरण है और इस वास्तविक त्वरण के घटक ये दो घटक हैं, तो g इज इक्वल टू माइनस जी कॉस लैम्डा आई डैश कैप माइनस जी साइन लैम्डा जे डैश कैप, ये मान होगा गुरुत्वीय त्वरण का, इक्वेशन नंबर एक। दूसरी चीज, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, तो इसका कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं ओमेगा जेड स्क्वायर, ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जेड स्क्वायर। ये कहां पर ले रहे हैं हम, पृथ्वी का कोणीय वेग तो एक निश्चित है, इसमें अक्षांश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, इस बिंदु पी पर प्रेक्षक है, प्रेक्षक बिंदु पी पर स्थित है और ये भी स्थिर अवस्था में, और जब ये स्थिर अवस्था में है तो इसका वेग वीडेस का मान जीरो, वेग वीडेस दैट विल बी जीरो। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, तीन वैल्यू मैंने ली है, एक वैल्यू जी, दूसरी वैल्यू ओमेगा और तीसरी वैल्यू वीडेस, तो वीडेस का मान भी जीरो है। तो इस तरह से ये हम लैम्डा अक्षांश पर किसी प्रेक्षक का की स्थिति का अध्ययन करते हैं और वहां पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो माना लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण ये बराबर हम मान लेते हैं जी लैम्डा। कोरिओलिस फोर्स को जब हमने पढ़ा है तो उसमें त्वरण के लिए सूत्र आया है ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस टू ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ये आर स्थिति। ये इक्वेशन हम ले लेते हैं चार, और यहां ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस दिस थिंग्स, तो इनमें ए डैश इसको हम मान लेते हैं लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण जो कि आभासी त्वरण होगा जी लैम्डा, और ए इज इक्वल टू जी जो वास्तविक त्वरण है, ये वास्तविक त्वरण और ये आभासी त्वरण। इसके अलावा अगली चीज इसमें ओमेगा वीडेस, वीडेस की वैल्यू जीरो और ओमेगा एंड आर, यहां आर को हम देखें आर स्थिति है, इस मूल बिंदु के सापेक्ष या इस पृथ्वी के केंद्र बिंदु के सापेक्ष स्थिति आर,
तो ये स्थिति आर के लिए, ये इसकी त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या। लेकिन इस त्रिज्या के भी दो घटक हैं, एक घटक तो नीचे की ओर और एक घटक ये ऊपर की ओर। तो आर वेक्टर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस लैम्डा, इधर का ये घटक कॉस लैम्डा, ये आई डेस्क है, प्लस आर साइन लैम्डा जे डेस्क। इसके दो घटक होंगे आर के, एक घटक ये, तो ये तो होगा कॉस लैम्डा के रूप में, आर कॉस लैम्डा आई, इधर की डायरेक्शन आई डायरेक्शन आई डेस्क है, और ये आर साइन लैम्डा इसकी डायरेक्शन जे डेस्क है। तो ये मेरे पास में समीकरण नंबर पांच। तो अब मेरे पास में ये समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण तीन और समीकरण पांच है, जिनमें जी जी मीन्स ये वाला जी और एक ओमेगा और इसकी वैल्यूज हैं आर की वैल्यू, ये मैं समीकरण चार में मान इनका पुट करता हूं, इनका मान रख समीकरण चार में मान रखने का। तो समीकरण चार में जब हम इनका मान रखेंगे तो ये वैल्यूज मेरे पास में आएंगी, ए डैश इज इक्वल टू जी लैम्डा, इज इक्वल टू ए मीन्स जी माइनस टू ओमेगा क्रॉस जीरो, माइनस ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ये मेरे पास में वैल्यू समीकरण चार में मैंने मान रखा है, वैल्यू पुट की है। और अब इनकी वैल्यू और आगे हम पुट करते हैं तो जी डैस या जी लैम्डा इज इक्वल जी, इट्स वैल्यू इज दिस मच, माइनस जी कॉस लैम्डा आई डेस्क है, माइनस जी साइन लैम्डा जी डेस्क है। ये तो मान वैल्यू जी की, दूसरी ये टर्म जीरो हो गई, और तीसरा ये टर्म हम देखें माइनस ओमेगा जी डेस्क है क्रॉस ओमेगा जी डेस्क है क्रॉस आर, और आर के लिए ये मान मुझे वैल्यू पुट करनी होगी, और ये वैल्यू होगी आर कॉस लैम्डा आई डेस्क है प्लस आर साइन लैम्डा जे डेस्क है। ये तो ये मल्टीप्लीकेशन में इस तरह से, यानी कि इस क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन ओमेगा क्रॉस के साथ में इसका ये वैल्यूएशन। अब इसको हम थोड़ा सा हल कर लें विद्यार्थी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस जी कॉस लैम्डा आई डेस्क है माइनस जी साइन लैम्डा जे डेस्क है माइनस ओमेगा क्रॉस या ओमेगा जे डेस्क है क्रॉस। अब इसकी वैल्यू को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो यहां ओमेगा आर कॉस लैम्डा ये तो कांस्टेंट है, जे क्रॉस आई पहले आई से गुण मल्टीप्लाई होगा ये, तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने विद्यार्थियों बताया था बिल्कुल शुरू शुरू में कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है, तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के आएगा। तो यहां पर जे क्रॉस आई तो कांस्टेंट टर्म तो यथावत रहेंगी, ओमेगा आर कॉस लैम्डा इनटू जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के मींस इट इज माइनस के डेस्क। नेक्स्ट अगली इस वाली टर्म को मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इससे, तो यहां जे क्रॉस जे और जे क्रॉस जे की वैल्यू होती है I क्रॉस I कहें जे क्रॉस जे कहें ये इन सब के मान होते हैं जीरो।
तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट टर्म जो इसकी मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी वो जीरो हो जाएगी। तो प्लस जीरो ये मानो। आगे और इसको हम हल करते हैं तो माइनस जी कॉस लैम्डा आई डैश कैप माइनस जी साइन लैम्डा जी डैश कैप माइनस ओमेगा जी डैश क्रॉस। ओके मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इसमें, तो आप ये देखें कि ओमेगा पहले तो माइनस इंटू माइनस दैट बिकम्स प्लस, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, कॉन्स्टेंट टर्म तो ये मल्टीप्लाई हो गए ओमेगा से ओमेगा आर कॉस लैम्डा। और जे क्रॉस के माइनस चिन्ह यहां पर ले लिया मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज है तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई डैश के। अब आई वाले टर्म को एक साथ ले लिया और जे वाले टर्म को एक साथ ले लिया तो ये आ जाएगा माइनस जी कॉस लैम्डा, और माइनस में बाहर ले लेता हूं तो यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा इंटू आई डैश कैप माइनस जी साइन लैम्डा जे डैश कैप, यानी कि मैंने इस टर्म को और इस टर्म को तो एक साथ ले लिया ये दोनों टर्म, और ये वाले टर्म में यहां पर लिखिए ये मान मुझे मिला है जी लैम्डा की वैल्यू समीकरण नंबर सिक्स। तो इस तरह से थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों इसमें मैं एक बार आपको रिवाइज भी करवा दूंगा इसी लेक्चर में कि क्या क्या आपको इसमें करना है, सिंपल मैथमेटिक्स के रूप में करना है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, खूब पूछा जाता है इसको, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है कि लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण जिसको अपन एक निश्चित मान मान के चलते हैं तो ये भी कोरिओलिस बल के कारण प्रभावित हो जाता है और ये लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। मींस इक्वेशन सिक्स रिप्रेजेंट्स द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट लैम्डा लैटिट्यूड, यानी कि समीकरण छह लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। इसके दो घटक हैं, एक घटक ये है और एक घटक ये है, एक घटक आई घटक और दूसरा घटक जे घटक। ये ठीक इसी तरह से है जैसे कोई भी वेक्टर a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसका मतलब है कि एक तो ये घटक ए एक्स हो गया और दूसरा घटक ए y। तो विद्यार्थियों इस समीकरण छह से अगर मैं इसका परिमाण देखना चाहूं तो इस वेक्टर का परिमाण a इज इक्वल टू होता है a वेक्टर डॉट a वेक्टर और इसका अंडर रूट, यानी कि हम पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं और फिर उसका अंडर रूट कर देते हैं तो ये निकल के आता है इसका मैग्नीट्यूड परिमाण। कई कई बार इस परिमाण को हम मॉड a के रूप में भी लिखते हैं परिमाण। इसी तरह से परिमाण मुझे चाहिए इस g लैम्डा का, यानी कि लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का परिमाण। तो g लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स, अब इसकी वैल्यू आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका अंडर, यानी कि पहले घटक का वर्ग प्लस दूसरे घटक का वर्ग और दोनों का जोड़ और उसके बाद में इसका अंडर। तो यहां पर भी मैं पहले घटक ये लेते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कॉस लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। विद्यार्थियों ये वाला माइनस वर्ग करने में जीरो प्लस होगा लेकिन ये अंदर तय है, ये तो अंदर रहेगा तो ये वर्ग प्लस अगले टर्म इसका भी वर्ग करूंगा तो ये माइनस भी प्लस में बन जाएगा तो प्लस जी इंटू साइन लैम्डा इस चीज का वर्ग और इसका अंडर रूट, ये इसका अंडर रूट होगा इस तरह से। ओके अब इसको हम हल करते हैं तो देखिए यहां से जी इसका कॉस स्क्वायर लैम्डा
यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू जी इंटू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस लैम्डा, कॉस लैम्डा दोनों का मल्टीप्लीकेशन कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये टर्म तो पहली वाली टर्म होगी और इस टर्म का वर्ग प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा और इस पूरी का अंडर रूट। ये क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के लिए है। इसमें विद्यार्थियों चूंकि मैंने बताया है ओमेगा पृथ्वी का कोणीय वेग है और इसका मान होता है 7.3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 रेडियन प्रति सेकेंड। तो ओमेगा 4 की वैल्यू 7.3 का तो पावर 4 हो जाएगी गुणा अगले टर्म में होगा 10 की पावर माइनस 20। यह और 10 की पावर माइनस 20 का मतलब विद्यार्थियों अगर इसको मैं हटाता हूं तो नीचे 10 की पावर 20 प्लस में हो जाएगा और 10 की पावर 20 का मतलब है इसके आगे 20 बिंदियां होंगी और इनको अपन देखें इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार कितना हो, तो इतना वह हिस्सा रह जाएगा इसका मीटिंग। इसका मतलब यह हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा 4 अत्यंत ही छोटी क्वांटिटी होगी और इसलिए हम इसको नगण्य कर नेगेटिवल कर देते हैं। तो ये ओमेगा 4 वाली ये टर्म यहां हम नेगलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा और जी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा, तो इसमें से मैं जी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा माइनस ये टर्म यथावत है 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा और इस सब का अंडर और ये मान आएगा जी स्क्वायर इंटू 1, तो ये यथावत रहेगा माइनस 2g इंटू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। इसका अंडर रूट का मतलब है पावर 1। तो ये मेरे पास में जी लैम्डा का परिमाण आ रहा है। इसमें से पावर 1/2 है यानी कि अंडर रूट है और इस अंडर रूट वाले हिस्से में से मैं अगर इसमें से जबरदस्ती जी स्क्वायर को बाहर लेना चाहूंगा तो अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो जी बाहर निकलेगा यानी कि जी लैम्डा इज इक्वल टू जी तो बाहर आ गया, जी स्क्वायर को मैंने निकाला है लेकिन ये इसमें से निकल के आएगा तो जी बाहर आएगा, जी यहां पर बचेगा 1 माइनस इसमें जी स्क्वायर का भाग लगेगा तो यहां जब जी स्क्वायर का भाग दूंगा तो एक जी तो कट जाएगा, एक जी बचेगा तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर बटे जी इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा और इसकी पावर होगी 1 बटे ये वैल्यू। और विद्यार्थियों बाइनोमियल द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस यह और अगर यहां माइनस है तो ये पहली टर्म माइनस दूसरी प्लस फिर माइनस प्लस माइनस इस तरह से आएगी, तो ये एक श्रेणी होती है और इस श्रेणी में पहली श्रेणी में तो ओमेगा इस की पावर 2 ही रहेगा लेकिन अगली में अगला जो पद होता है ये है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस और भी आगे की पद आएंगे। तो यहां जब एक्स स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को लूंगा तो इसका मतलब है कि इसका वर्ग और इसका वर्ग ओमेगा 4 हो जाएगा, ओमेगा 4 को अपन नेगलेक्ट कर देंगे, ऐसे ही और उच्च घात होंगे तो उन सबको अपन नगण्य कर देंगे यानी कि इससे आगे के ये सब नेगलिजिबल। तो इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स यानी कि ये मान हो जाएगा जी तो बाहर है
वन माइनस टू इंटू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी कॉस स्क्वायर लैम्डा, और ये एन गुणा हो रहा है इधर, तो ये नीचे गुणा हो जाएगा एन। यहां से दो निरस्त हो गया और ये मान अब मेरे पास में आ गया जी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं अंदर, तो माइनस जी माइनस ये इससे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो जी कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये वैल्यू होगी जी लैम्डा परिवर्तन। ओके इसका मतलब है कि जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये इक्वेशन है जो मैं ऊपर लिखा है इसको। विद्यार्थियों लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का ही मान ये प्राप्त हुआ, वो भी परिमाण के रूप में प्राप्त हुआ मान। तो ये इक्वेशन लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का निरूपण है। इसमें हम ये देखें कि इस फर्स्ट के एट इक्वेटर, इक्वेटर को कहते हैं भूमध्य या विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, मीन्स जी एट भूमध्य रेखा मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर, और भूमध्य रेखा पर लैम्डा अक्षांश यानी कि लैम्डा अक्षांश का मान जीरो होता है, तो ये मान मैंने जीरो रखा, ये आएगा मेरे पास में जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इसका मतलब भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण, ये वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण जिसको अपन लेते हैं 9.8 समथिंग, एंड ओमेगा स्क्वायर आर, आर पृथ्वी की त्रिज्या और ओमेगा पृथ्वी का कोणीय वेग, तो ये मान जो आएगा वो जी मिनिमम मान होगा, न्यूनतम होगा, इसलिए होगा कि जी में से इतनी क्वांटिटी घट रही है, कम हो रही है। ऐसे ही केस सेकंड देखता हूं मैं, एट पोल्स ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, जहां लैम्डा इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, ना बड़े विकल्प, और जब लैम्डा 90 होगा तो कॉस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, और कॉस लैम्डा जीरो होने से जी एट पोल्स ध्रुवों पर ये वैल्यू हो जाएगी जी और कॉस लैम्डा का मान जीरो, जीरो रखने से गुणा करेंगे तो ये जीरो, तो ये मान होगा इट विल बी मैक्सिमम। तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है कोरिओलिस बल के प्रभाव, तो कोरिओलिस बल हम ये कहेंगे कि जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी एक घूमता हुआ निर्देश तंत्र होता है, और इस घूमते हुए निर्देश तंत्र के कारण, घूमने के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी का कोणीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण प्रभावित होता है, और उस गुरुत्वीय त्वरण का वेक्टर मान तो यह है लेकिन उसका परिमाण यह होता है, और यह परिमाण लैम्डा अक्षांश पर है। अगर हम इसको इक्वेटर पर देखते हैं, भूमध्य रेखा पर देखते हैं, तो ये मान न्यूनतम प्राप्त होता है, और दक्षिण इसको उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर देखते हैं तो इसका मान ये अधिकतम प्राप्त होता है, न्यूनतम इसलिए कि इस जी में से ये कम हो रहा है और ये यहाँ जी का जी है, तो ये वैल्यू ध्रुवों की और बाकी पृथ्वी के स्थान। अब अगली चीज हम देखें
कि जब हमारे पास में पृथ्वी है और पृथ्वी पर लैम्डा अक्षांश पर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समीकरण 6 के अनुरूप मुझे प्राप्त होता है। समीकरण 6 लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण है। अभी जो मैंने इक्वेशन देखी थी वो गुरुत्वीय त्वरण का परिमाण था, मैग्नीट्यूड था, ये है। और इसमें जी लैम्डा वेक्टर इज पहला घटक आई घटक और दूसरा घटक जे घटक, यह है जी कॉस लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा आई डेस्क माइनस जी साइन लैम्डा जे डेस्क, ये मेरे पास में, यानी कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ए वेक्टर के दो घटक हुए ए एक्स आई कैप वेक्टर प्लस ए वाई जे डेस्क। ए वाई का मान ये वाला घटक और बी ए सॉरी ए एक्स का मान और ए वाई का मान ये वाला घटक नेगेटिव साइन के साथ, तो ये दो घटक। थोड़ा सा हमें इसको यहां पर आपको बताना भी चाहूं तो ये जैसे मेरी पृथ्वी थी ये केंद्र और हम यहां पर खड़े हुए हैं या यहां पर जो भी प्रेक्षक है इस प्रेक्षक की ऊर्ध्व दिशा ये है, ऊर्ध्व दिशा, और ऊर्ध्व दिशा का मतलब होता है के डैश डायरेक्शन, केंद्र को मिलाने वाली है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति भी खड़ा होगा तो ये व्यक्ति इस तरह से होगा, यानी कि इसको बिल्कुल सीधे से निकलेगी जो लाइन वो ऊर्ध्व दिशा इसी तरह से जैसे सीधे ऊपर की। इसका एक ये वाला घटक हमने आई घटक मान लिया आई डैश कैप जो एक्स घटक, ये दिशा मैंने जे डैश कैप वाली दिशा मान ली। तो यहां गुरुत्वीय त्वरण का मान आई दिशा में तो ये घटक आया और जे दिशा में ये वाला घटक, ये वाला घटक जे दिशा, दो घटक। तो इनकी आई के साथ में अगर कोण थीटा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान आई के साथ अगर थीटा कोण पर है तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होगा ए वाई बटे ए एक्स, सूत्र ये होता है। यहां पर जब मैं ये मान सब्स्टिट्यूट करूंगा ये वैल्यू मैं पुट करूंगा तो मुझे ये मान मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू ये क्वांटिटी ए एक्स ये ए, तो इस रूप में आएगा ये। तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई दैट इज माइनस जी साइन लैम्डा अपॉन जी कॉस लैम्डा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। यदि ये तो मैंने एक्स अक्ष के साथ में कोण लिया है और इसको अगर मैं वाई अक्ष के साथ में लेता हूं इस जगह ये कोण थीटा, इधर का ये कोण थीटा ने लेकर के इस कोण को मैं थीटा लू, ये जी है तो इसका इधर घटक अपन देखें तो इसके साथ में कोण की वैल्यू आएगी तो उस स्थिति में हमारे ये वैल्यू जो आएंगी इस केस में जैसे ये वाला कोई घटक है ये इधर घटक ए एक्स ये घटक ए वाई घटक तो कोण थीटा का मान अब माइनस दिशा आ रही है तो ये ऋणात्मक होगा और ये ऋणात्मक होने के बाद में ये आएगा मेरे पास में चूंकि ये कोण थीटा है तो थीटा के लिए जिधर की दिशा होती है उससे परे वाला हम पहले लेते हैं तो ए एक्स अपॉन ए वाई ये आएगा और उस स्थिति में टेंजेंट थीटा इज टेन थीटा
ये सब है जबकि अपन वाई अक्ष के साथ मिलने, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस चिन्ह तो आएगा ही, ये माइनस चिन्ह क्योंकि ये जी की दिशा ऋणात्मक दिशा है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। और अब हमारे पास में ax अपॉन ay इस रूप में होंगे, यानी कि ये वाला मान पहले आएगा g cos lambda माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos lambda अपॉन g sin lambda, ये रिजल्ट होंगे। तो इस तरह से हम इसकी दिशा का मान ज्ञात करते हैं। विद्यार्थियों ये आज का टॉपिक था पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण या कोरिओलिस बल उत्पन्न होता है, और इस कोरिओलिस बल के कारण पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र प्रभावित हो जाता है या गुरुत्वीय त्वरण प्रभावित हो जाता है। तो ये हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन किया है। फॉर्मूला हमारे पास में वही फॉर्मूला था कि ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस टू ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ये सूत्र था। मैंने इसको एक बार फिर से मैं ब्रीफ बता देता हूँ। इसमें ये वैल्यू तो जी लैम्डा हो जाएगी और ये वैल्यू जी एक्चुअल एक्सेलरेशन ये है और ये आभासी त्वरण है। एक्चुअल एक्सेलरेशन तो ये उस स्थिति में है कि यदि घूर्णन गति करती हुई पृथ्वी रुक जाए तो उस स्थिति में ये त्वरण और ये त्वरण दोनों बराबर, लेकिन घूर्णन गति हो रही है तो ये माइनस टू इंटू ओमेगा क्रॉस वी डैश वस्तु का वेग है और वस्तु स्थिर है जिस पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है, तो ये जीरो मान हो जाएगा माइनस ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। ये मेरे पास में वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज में अब ये जीरो होने से ये वाली टर्म तो खत्म ही हो गई और मेरे पास में अब ये बची। तो यहाँ पर जब मैं पृथ्वी को लेता हूँ और इसमें इस पॉइंट को मैंने प्रेक्षण बिंदु ले लिया जिसका ये इस तरह से देखें अपन, तो गुरुत्वीय त्वरण तो होगा इसका जी नीचे की ओर। इसके दो घटक होंगे, ये कोण लैम्डा है तो ये वाला कोण भी लैम्डा होगा जो अक्षांश कोण है, जी कॉस लैम्डा और जी साइन लैम्डा ऋणात्मक चिन्ह के साथ में होंगे। तो इस जी के तो दो मान हो गए, जी इज इक्वल टू माइनस जी कॉस लैम्डा आई कैप डैश में माइनस जी साइन लैम्डा एक तो जी का मान हो गया, जी का मान ओमेगा पृथ्वी घूर्णन गति करती है इधर की ओर तो ये इधर की ओर, इस दिशा को मैं आई इसको जे ले रहा हूं तो ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जे डैश और आर, ये प्रेक्षण बिंदु है जहां पर हम ले रहे हैं, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या आर है, इसके भी दो घटक होंगे आर के, एक इधर घटक और एक इधर घटक, तो आर इज इक्वल टू आर कॉस लैम्डा आई डैश कैप प्लस आर साइन लैम्डा जे डैश, ये वैल्यूज होगी। तो ये तीन मान जी ओमेगा और आर, ये तीनों मान आपको इससे याद रखने और ये याद रख करके इस इक्वेशन में पुट करना है और उसके बाद में इसको मैथमेटिकली हल करना है। तो ये आज का टॉपिक था, इस तरह से आप इसको हल करें एक बार एक्सरसाइज कर लें, और फिर भी अगर यदि नहीं आता है तो आप मेरे से फोन करके या क्लास में या कॉलेज में आकर के मेरे से आप इसको और समझ लें। थैंक यू, ओके, बढ़िया।